मद्रास उच्च न्यायालय ने मदुरई के प्रसिद्ध मंदिर में लोगों को मोबाइल फोन ले जाने से प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते वहां आग लग जाने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई थी। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण और मदुरई पीठ के न्यायमूर्ति आर थरानी ने प्राचीन मंदिर में सुरक्षा कायम रखने के लिए CISF कर्मियों की तैनाती का भी सुझाव दिया है। अदालत ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को मंदिर में रखरखाव के लिए पुरातत्व विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करनी चाहिए और सुरक्षा पहलुओं पर सलाह मुहैया करानी चाहिए। उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर की सुरक्षा के हित में सुरक्षा अधिकारियों के अलावा किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अधिवक्ता मुथु कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर अदालत का ये आदेश आया है। न्यायाधीशों ने कहा कि मंदिर में कर्मचारियों को भी अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को मंदिर की सुरक्षा के सिलसिले में अब तक उठाए गए कदमों के बारे में 13 मार्च तक एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।